गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 12.2 अध्याय 12 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 10 को आज सॉल्व करेंगे। पहले एक सवाल को हम पढ़ लेते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। एक छतरी में 8 ताने, ताना क्या होता है? ये जो छाता है, ये छाता, छाता में जो तार लगा हुआ होता है बराबर बराबर दूरी पर, वही होता है ताने। तो ये ताने लगा हुआ है, बराबर बराबर दूरी पर लगा हुआ है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, छतरी जो है, ये छतरी, इससे तो ज़्यादा काम नहीं बनने वाला, इससे काम बनने वाला ये सपाट वृत्त को मानते हुए, ये जो ताना की लंबाई जो दे दिया है आपको 45 सेंटीमीटर, जो कि इस वृत्त के लिए त्रिज्या का काम करेगा, मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या ज्ञात करना? दो क्रमागत, एक ये और एक ये, दो क्रमागत तानों के बीच का जो छायांकित भाग है उसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि इसमें 8 ताने हैं तो क्या होगा, इस ऐसा ऐसा 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये वृत्त को कहता है कि एक सपाट को वृत्त मानते हुए, तो ये मान लीजिए वृत्त। तो इस दो क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अगर इसके पूरे क्षेत्रफल में 8 से अगर हम भाग देते हैं तो दो क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्र, दो क्रमागत तानों के बीच का ही क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसमें आपका ताना की लंबाई भी, ताने की जो लंबाई है 45 सेंटीमीटर, नहीं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल आसान तरीका से बनेगा ये। पहले क्या है, इसी में से लिखना कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल बराबर, ये चूंकि वृत्त को माना गया, वृत्त मानते हुए का बोला गया है, तो ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको दो ताने के बीच का क्षेत्रफल निकालना है जो कि 8 को ऐसा ऐसा एरिया बनता है, तो क्या करेंगे, 1/8 कर लेंगे, यानी 8 से भागा देंगे वृत्त के क्षेत्रफल में, तो दो क्रमागत तानों के बीच का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, जिसमें आपको एक बात दिया हुआ है यहाँ पर, ताने की जो लंबाई है आर, जो कि त्रिज्या का काम करेगा, आपको 45 cm दिया हुआ है। बस इसका मान को रख देना है, 1/8 इंटू पाई का मान 22/7 और गुना आर का मान 45 × 45, इसको घेर के, जो कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे cm². अब इसको काट लेते हैं, 2 × 2 = 8, 2 × 2 = 1, 11 से कट गया। अब इसको गुना करेंगे ऊपर में 45 और 11 को, तो आपको हो जाएगा 22,275 / 7/28। ये आपका इतना cm² हो गया। बराबर इसको भाग दीजिएगा तो 795, कितना, 795.53 cm², दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यही हुआ, जो कि आंसर भी हो गया। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।